माननीय योगी जी और बेसिक शिक्षा मंत्री, ये दोनों आरक्षण खाऊ आदमी है, लेकिन वो ना तो आदेश देखना चाहते हैं ना उसको फॉलो करना चाहते हैं। तो अब निवेदन बहुत हो गया, अब केवल धनादन होगा। बहुत हुआ निवेदन, अब केवल धनादन। हम लोग लगातार हम देख रहे हैं कि आरक्षण पर कुठाराघात किया जा रहा है। हम लोग कब तक शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ बैठे रहेंगे? कब तक हम ये लोग यही केवल शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ हमारी बहनें लाठी काटती रहेंगे, हमारी भाइयों सर फूटते रहेंगे? हम लोग पिछले लगातार इतने दिनों से निवेदन करते आ रहे हैं, शायद ही कोई दरवाजा ऐसा बचा हो जिसपे हम लोग गए ना हो। आज हम 6 तारीख को ये दिखाएंगे कि लोक बड़ा है या तंत्र बड़ा है। इस तंत्र को झुकाने के लिए इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि इस तंत्र को झुकना पड़ेगा। अगर नहीं झुकेगा तो जो चीज़ें झुकती नहीं है वो या तो उखड़ के फेंक दी जाती हैं या फिर काट दी जाती हैं। क्या नाम है? अमित गंगवार। अच्छा, तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? आज 75वां दिन हो गया हम लोगों संघर्ष का। 22 जून से हम लोग लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी सरकार नहीं मानेगी 6 तारीख तक, अगर कुछ एक्शन नहीं लेगी सरकार, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये है कि हम लोगों ने 6 तारीख तक समय दिया है, कि 5 तारीख तक समय दिया है, 6 को हमारा कार्यक्रम रहेगा। अगर सरकार 5 से पहले मान जाती है, हम लोगों को न्याय दे देती है, तो शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग अपने घर पे चले जाएंगे और अपने अपने स्कूलों में जाएंगे। लेकिन अगर सरकार 5 तारीख तक हम लोगों का समाधान नहीं निकालती है तो 6 तारीख से फिर हम लोग गांधीवादी तरीके से जो धरना कर रहे थे उसको छोड़ करके फिर हम लोग आज़ाद और भगत सिंह की लड़ाई लड़ेंगे। फिर यहाँ पे उग्र प्रदर्शन होगा, उसकी सारी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी, उत्तर प्रदेश के मुखिया की होगी, बेसिक शिक्षा मंत्री की होगी और बेसिक शिक्षा विभाग की होगी, क्योंकि इन्हीं लोगों ने हम लोग लगातार गांधीवादी तरीके से जो हमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आदेश दिया है इसमें कि इतनी सीटों घोटाला हुआ है। अब ये संस्था भी भाजपा के द्वारा ही बनाई गई है। राज्य में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, और राज्य जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वहाँ बैठे हुए जो लोग हैं उपाध्यक्ष अध्यक्ष वो भाजपा के ही लोग हैं। तो उन्होंने ये आदेश दिया है कि इसमें घोटाला हुआ है, तो फिर योगी जी जैसे तानाशाही लोग इस बात को क्यों नहीं मानना चाह रहे हैं, क्यों उस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनकी आदत हो चुकी है। मैं आपको अवगत करा दूं, थोड़ा पूर्व में आपको ले जाना चाहता हूं। माननीय योगी जी और बेसिक शिक्षा मंत्री, ये दोनों आरक्षण खाऊ आदमी हैं। इन्होंने शुरुआत से, इनकी आरक्षण खाने की आदत रही है, ये खाना नहीं खाते, ये केवल आरक्षण खाते हैं। पहले इन्होंने सामान्य जाति का आरक्षण खाया, ESW का कोटा, जिसमें सामान्य गरीब सामान्य लोगों के लिए जो कोटा होता है, उसमें बेसिक शिक्षा मंत्री ने अपने भाई का आरक्षण सर्टिफिकेट बनवा के नौकरी पाई। जब लोगों ने मुद्दा ये उठाया कि ESW के तहत उनका आरक्षण कैसे बन सकता है, क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो एक प्रोफेसर हैं, उनकी सैलरी ज़्यादा है, तो उनको कैसे मिल सकता है ESW का सर्टिफिकेट, तब जब ज़्यादा हंगामा हुआ तो उन्होंने अपने भाई को इस्तीफा दिलवा दिया। कैसा ये इतिहास हो गया है कि चोर जो अपनी चोरी मान ले तो उस पर मुकदमा ही दर्ज नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद 68,500 में इन्होंने OBC का 5% आरक्षण खाया। इसके बाद 18,500 की जो पिछली भर्ती हुई थी उसी में इन्होंने दिव्यांगों का आरक्षण खाया, जिन्हें भगवान से तो कम से कम डरना चाहिए कि दिव्यांग लोग उनका भी आप आरक्षण खा रहे हैं, वो लोग भी धरने पे बैठे हुए थे। फिर इसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में भी इन्होंने दिव्यांगों का आरक्षण खाया, उन्होंने 89 दिन धरना चलाया, तब जाके उनको रिलैक्सेशन मिला है। दलित समाज के लोग भी बैठे हुए हैं, OBC समाज के लोग बैठे हैं, क्या करना चाहते हैं? केवल आप आरक्षण खाने के लिए आए हैं क्या? जब खुद आप आरक्षण खाते हैं और फिर आरक्षण को आप गलत बताते हैं। तो ये आपने एक बात बोली कि अगर 6 तारीख को ये नहीं मानती है तो हम थोड़ा सा उग्र प्रदर्शन करेंगे, तो उसको आप किस तरीके से कह रहे हैं? मतलब वो संवैधानिक रहेगा या असंवैधानिक रहेगा? सर, जब सरकारें जो हैं संवैधानिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से बातें नहीं मानती हैं तो फिर किसी भी व्यक्ति के पास में कोई तरीका नहीं रह जाता है कि वो सरकार को मनाए। तब हम लोग जो है अपने संविधान बचाने के लिए, अपना आरक्षण बचाने के लिए जो भी हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे सरकार, तानाशाही सरकार को झुकाने के लिए। क्योंकि इस लोकतांत्रिक देश में आज हम 6 तारीख को ये दिखाएंगे कि लोक बड़ा है या तंत्र बड़ा है। इस तंत्र को झुकाने के लिए इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि इस तंत्र को झुकना पड़ेगा। अगर नहीं झुकेगा तो जो चीज़ें झुकती नहीं हैं वो या तो उखड़ के फेंक दी जाती हैं या फिर काट दी जाती हैं। तो अब सरकार कटना पसंद करेगी, उखड़ना पसंद करेगी, जो उसकी इच्छा है वो करे, उसके पास सारे ऑप्शन खुले हैं और हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो करो या मरो। अच्छा, तो आप अपना हक लेके ही रहेंगे?
हम अपना हक लेके रहेंगे। हम लोग लगातार हम देख रहे हैं कि आरक्षण पे कुठाराघात किया जा रहा है। हम लोग कब तक शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ बैठे रहेंगे? कब तक हम ये लोग यहीं केवल शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ हमारी बहनें लाठी काती रहेंगे, हमारी भाइयों के सर फूटते रहेंगे? हम लोग पिछले लगातार इतने दिनों से निवेदन करते आ रहे हैं, शायद ही कोई दरवाजा ऐसा बचा हो जिसपे हम लोग गए ना हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो, चाहे बेशिक्षा मंत्री का आवास हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी का आवास हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह का आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री का आवास हो, सबके पास निवेदन लेके गए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो आदेश आया है, इस आदेश को आप पढ़िए और इस आदेश को आप फॉलो करिए। बस हम लोगों की इतनी सी मांग है, लेकिन वो ना तो आदेश देखना चाहते हैं ना उसको फॉलो करना चाहते हैं। तो अब निवेदन बहुत हो गया, अब केवल दनादन होगा। बहुत हुआ निवेदन, अब केवल दनादन।